भाई लोगों तुम्हारा भाई लेके आ चुका है एक और नई वेब सीरीज। भाई ये वेब सीरीज इतनी ओसम है, मतलब इतनी ब्रूटल वेब सीरीज है यार कि तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगेंगे सीरीज को देखने के बाद, इतनी खतरनाक है। मैं तुम सब लोगों की जानकारी के लिए ये बता दूं कि ये कोई हॉलीवुड साउथ कोरियन बॉलीवुड सीरीज नहीं है भाई, ये है एनिमे सीरीज। तो गुरु जो भी एनिमे फैन है ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। बाकी जिसको भी एनिमे सीरीज या मूवीज नहीं पसंद हो वो भी सीरीज को देख सकता है, क्योंकि मुझे भी एनिमे सीरीज वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद थी। मगर जब मैंने ये क्लिप देखी, जो तुम भी देखो एक बार, मैं आ गई सावधान इंसान, क्योंकि मैं हूँ पावर। क्या तुम ही हो मेरे पार्टनर? पावर? ये कैसा नाम है पावर? और तुम एक डीमन हो? एक डीमन को डेविल हंटर बनने की इजाजत किसने दे दी? कोई दिक्कत नहीं है, तब आके काम करेंगे। हाँ भाई, इस क्लिप को देखने के बाद ही मेरे अंदर की जिज्ञासा यार फूट फूट के बाहर रहने लग गई कि भाई मुझे इस सीरीज को देखना चाहिए। और उसके बाद मैंने ठान ली कि मैं अब ये सीरीज जरूर देखूंगा। और ये सीरीज देखने के बाद भाई मेरे दिमाग के सारे तार खुल गए। इस सीरीज की इतनी अच्छी स्टोरी लाइन, इतने अच्छे कैरेक्टर डिजाइन, इतनी ब्रूटल स्टोरी, मतलब भाई तबाही एकदम, वो भी एनिमे में, मतलब तुम सोच नहीं सकते इतनी खतरनाक है। तो चलो फिर बात करते हैं इसके ऊपर। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये भी सुन लो, इस सीरीज का नाम क्या है, ये सीरीज आपको कहाँ देखने को मिल सकती है, हिंदी में अवेलेबल है या नहीं है, और डाउनलोड कहाँ से कर सकते हो, ये सब बताऊंगा तुम्हें इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो इस सीरीज की कहानी स्टार्ट होती है टोक्यो से। ये वो टोक्यो नहीं है जिसको हम लोग जानते हैं, ये एक अलग यूनिवर्स का टोक्यो है जहाँ पे इंसानों के साथ डीमंस भी रहते हैं भाई, मतलब खुले आम चल रहा सब कुछ, डरने वाली बात नहीं बिल्कुल। और इस टोक्यो में कुछ अच्छे डीमंस भी रहते हैं और कुछ बुरे डीमंस भी रहते हैं, मतलब ज्यादा सारे बुरे रहते हैं, अच्छे तो कुछ ही है। तो उन बुरों को मारने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जिसका नाम है डेविल हंटर। अब ये डेविल हंटर क्या करते हैं डीमंस को मारने के लिए, तो तुम्हें सीरीज को देखने के बाद ही पता लगेगा, मगर मजा आने वाला है भाई, क्योंकि एक एक कैरेक्टर इतना ओसम है सीरीज में, मतलब तुम सबके फैन होने वाले हो भाई। मुझे पसंद नहीं थी एनीमे, मगर इसको देख के मैं बुरा गया भाई, इतनी ओसम भी कुछ हो सकता है क्या? इस सीरीज में जो लीड एक्टर दिखाया है उसका नाम होता है डेंजी। वो एक खुद डेविल हंटर होता है, मगर वो काम करता है सिर्फ खुद के लिए, मतलब अपने पापी पेट के लिए और अपने पेट के लिए, जो एक डीमन होता है। मतलब भाई इनका प्यार ऐसा होता है तुम करण अर्जुन को भूल जाओगे, इतनी मोहब्बत करते हैं दोनों एक दूसरे से। फिर किसी कारण डेंजी मर जाता है डीमंस को मारते हुए। उसके बाद जो उसका पेट होता है एक डीमन जिसका नाम होता है पोचिता, भाई वो अपना हार्ट उसको दे देता है। उसके बाद डेंजी का एक अलग रूप निकल के आता है जिसमें पोचिता के पावर और डेंजी का रूप मिलके बनता है चेंसो मैन। ये वो कैरेक्टर है सीरीज का, तुम सबको भूल जाओगे इसके आगे। अब चेंसो मैन इतना पावरफुल है कि इस बंदे के आगे कोई नहीं टिक पाता भाई, मतलब तुम आओगे जरूर मगर जा नहीं पाओगे यार, इसको कुछ मतलब नहीं है, ये मारता है और मारते चला जाता है। और जो हमको इस सीरीज में देखने को मिला है वो चेंसो मैन का सिर्फ नॉर्मल फॉर्म दिखा है, मतलब नॉर्मल फॉर्म में भी इतना खतरनाक है, अगर इसका ट्रू डार्क फॉर्म किसी ने देख लिया तो भाई मतलब पागल ही हो जाओगे तुम इसके पीछे, इतना ब्रूटल कैरेक्टर है यार ये। हाँ तो भाई बात करते हैं सीरीज के और बाकी कैरेक्टर के बारे में, मतलब डेंजी के अलावा भी और अच्छे अच्छे कैरेक्टर है सीरीज, जैसे माकिमा। यार ये बिच इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है, मतलब इतना बुरा काम करने के बाद भी इतनी सुंदर लड़की कैसे, मैं तो खुशी खुशी मर जाऊँ यार इस पे, मतलब एनिमेशन में इतनी खूबसूरत लग रही है, दिल आ चुका है। माकिमा सीरीज की वो कैरेक्टर है जिसके बारे में शायद तुम कभी समझ पाओ कि कितनी पावरफुल है। माकिमा के पावर के बारे में तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि ये बिना किसी को टच करे, बिना किसी को देखे, बिना किसी को छुए, बिना किसी के पास आए उसको मार सकती है, इतनी पावरफुल लेडी है भाई। तो इससे बच के रहना, कभी अगला नंबर तुम्हारा ना आ जाए, जाके देख लेना, वरना माकिमा कुछ भी कर देती, क्योंकि माकिमा कर देती एकदम सही। बस माकी में दिखने में इनोसेंट लगती है, प्यारी लगती है, सुंदर लगती है, मगर इसका इवेल रूप तुमने देख लिया तो गुरु कच्चे में तो सुसु भर आ जाएगा, इतनी खतरनाक लेडी है। अगर माकी माँ के बारे में और भी कुछ जानना हो तो उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, जाके देख लेना, बहुत बढ़िया बंदा है यार, एकदम डिटेल में वीडियो बनाता है, जरूर देखना जाके। तुम्हारा भाई खुद रेकमेंड कर रहा है तुम्हें, तो जाके चले जा, अगर कॉमिक्स से प्यार है नहीं है तो बाहर में जा। और कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती मेरे भाई, डेंजी और माकी माँ के बाद एक और कैरेक्टर है मेरा फेवरेट इसमें, पावर। ये सीरीज का वो सितारा है जिसकी रोशनी तुम्हारे पर जरूर पड़ेगी। ये सीरीज का इतना अच्छा कैरेक्टर है जो इस सीरीज में 5 चांद लगा देता है। मुझे पता है ये सबसे गंदा वाला था 5 चांद, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो पावर एक डीमन होती है जिसका एक ही लक्ष्य है दुनिया में आके सामने वाले को मारना है, भले वो उसका दोस्त भी हो, उसे मारना है बस। बस कोई बोल दो पावर मारो, उसके बाद पावर धज्जियां उड़ा देती है भाई, पावर इतनी खतरनाक। असल में पावर एक ब्लड डीमन होती है जो अपने ब्लड से कुछ भी बना सकती है। हाँ वो बात अलग है, तुम पावर के साथ रहने के बाद भी उस पर भरोसा कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे, मगर लड़की में दम है भाई, कभी भी धोखा दे सकती है मगर दम है लड़की। और हाँ, डेंजी का एक सपना भी होता है जो भाई ज्यादातर सभी लड़कों का सपना है, उसको
पावर ही पूरा करती है, मतलब सपना तो उसका पूरा हो जाता है, 50-50 हो पाता है, क्योंकि डेंजी को वो मजा ही नहीं आ पाता जो वो चाहता है, जो दिखता है मेरे भाई वो होता नहीं है। ये कहावत इस सीन पे बिल्कुल सूट करती है और ये क्लिप आजकल बहुत वायरल है सोशल मीडिया पे। ऐसी क्लिप देखने के बाद ही मैंने सीरीज को देखना स्टार्ट करा था। वो वियर्ड सा सपना क्या है इसका, ये तो तुम्हें सीरीज में देखने के बाद ही पता लगेगा, मगर उसको भाई कुछ तो खतरनाक करना है उसका मन कुछ ऐसा करने का जो मैं नहीं बता पाऊंगा, मगर तुम्हें इस क्लिप से अंदाजा लग जाएगा। हाँ भाई, यही है इसका सपना, यही करना चाहता है। पता नहीं ये सपना इसका पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये तो तुम्हें सीरीज को देखने के बाद ही पता लगेगा कि ये सपना इसका पूरा होता है कि नहीं होता, या होता है तो उसके बाद इसके साथ क्या होता है। इस सीरीज के और भी बहुत सारे कैरेक्टर है, जैसे अक्की और हमीना, मेरे ख्याल से यही नाम है, अगर मैं उनके बारे में बात करने लग गया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मतलब इतनी लंबी वीडियो मैं नहीं बना सकता भाई, क्योंकि एडिटिंग में मेरे एल लग जाते हैं, तो भाई नहीं कर पाते एडिटिंग यार। चैनल बड़ा होगा तो रख लूँगा कोई एडिटर अपने साथ में, अभी नहीं है, छोटी छोटी वीडियो बनाओ, सुकून से ज़िंदगी कटती है, ज़्यादा भसोड़ी नहीं चाहिए। तो भाई इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ इस सीरीज का नाम क्या है। तो भाई इस सीरीज का नाम है चैंसो मैन, और ये सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में, बिल्कुल HD में भाई, जाके देख। अगर तुम पे सब्सक्रिप्शन लेने के पैसे नहीं है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, यहाँ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, दिख गया ना, हाँ यहाँ पे जाओ अपने भाई को फॉलो करो, DM करो। ये सीरीज कहाँ से डाउनलोड होगी मैं तुम्हें साइट का लिंक भेज दूंगा, जाके देख लेना। और जिसने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी, इन दोनों वीडियो पे क्लिक कर देना, बहुत ही ऑसम कोरियन सीरीज है भाई, मतलब इतनी अच्छी सीरीज तुमने शायद ही कभी देखी होगी कोरियन में। तो और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा, बाय बाय।